इसराइल ने हमास के शीर्ष अधिकारी सालेह अरौरी को मारा तो अब हूतियों में इसको लेकर काफी जोर का गुस्सा है। हूती अब इस हमले और सालेह अरौरी की मौत से काफी दुखी हैं। या फिर आप हूतियों के किसी भी नेता के ट्विटर प्रोफाइल को देखेंगे तो हर तरफ सालेह अरौरी को श्रद्धांजलि दी जा रही है और कहा जा रहा है कि वो इसराइल और अमेरिका से इसका बदला जरूर लेंगे। इसराइल और हमास के जंग के बीच हिजबुल्ला के टेलीविजन स्टेशन ने कहा है कि बेरूत के दक्षिण में हुए विस्फोट में सालेह की मौत हुई है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी बेरूत में सालेह अरौरी ड्रोन हमले के निशाने पर था। अब इस मौत के बाद लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने बेरूत विस्फोट के पीछे इसराइल का हाथ होने का आरोप लगाया है। लेबनानी पीएम ने कहा है कि सालेह अरौरी की हत्या का उद्देश्य देश के दक्षिणी हिस्से में चल रहे हमलों में लेबनान को खींचना है। इसके अलावा साना डेलीगेशन के प्रमुख ने भी सालेह अरौरी के लिए ट्वीट लिखा और उनको श्रद्धांजलि दी है। हूतियों में सालेह अरौरी को लेकर एक अलग तरह की भावना देखने को मिल रही है। हमास को समर्थन देने के लिए हूतियों ने लाल सागर में जंग का ऐलान कर दिया है और वो सीधे तौर पर अमेरिका और कई देशों के साथ टक्कर ले रहे हैं। लेकिन सालेह अरौरी को लेकर हूती इतने दुखी कौन है और सालेह अरौरी कौन था? अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सालेह अरौरी हमास के राजनीतिक ब्यूरो का उपप्रमुख और फिलिस्तीनी समूह की सशस्त्र शाखा कसम ब्रिगेड के संस्थापकों में से एक था। उसका जन्म साल 1966 में कब्जे वाले वेस्ट बैंक के रमल्ला में हुआ था। सालेह अरौरी इसराइल के जेल में 15 साल बिताने के बाद लंबे समय तक लेबनान में निर्वासन पर रह रहा था। पिछले साल अक्टूबर में इजरायली सेना ने रमल्ला के पास उसके घर को ध्वस्त कर दिया। अमेरिकी सरकार ने साल 2015 में उस पर वैश्विक आतंकवादी के रूप में उसे नामित किया और उसके बारे में जानकारी देने वाले को $5 मिलियन का इनाम देने की बात कही थी। आपको बता दें कि जहां पर हमला हुआ है वहां पर हमास का कार्यालय है। कहा जाता है कि बेरूत के दक्षिणी क्षेत्र में हिजबुल्ला और फिलिस्तीनी समूह सक्रिय हैं और वहां हमास का अपना कार्यालय है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्ला ने लेबनान में हत्याओं को लेकर इसराइल को पहले ही चेतावनी दे दी है और अब हूतियों में इस मौत को लेकर काफी दुख है और रोष भी है। इस मौत के बाद हिजबुल्ला, हमास और हूती एक साथ इसराइल और अमेरिका को टारगेट कर रहे हैं। उनका आरोप है कि इन्होंने ही ड्रोन हमले में सालेह अरौरी को मारा है। सालेह अरौरी के मारे जाने के बाद पूरे यमन में इसको लेकर एक अलग तरह का दुख है। हूतियों में अब इसको लेकर गुस्सा है और हूती अब इस मौत का बदला लेने की बात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।